वेलकम दोस्तों, सभी का मेरा YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं और आप जान सकते हैं कि कौन कौन से 18 बैंकों ने EMI में छूट दिए, आप इस वीडियो से जानेंगे। लेकिन अभी तक जिस प्रकार दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक ने भी बेकायदा बताया कि उसमें 31 मई 2020 में जो पढ़ने वाले EMI को टालने के लिए कदम उठाए, उसी प्रकार पंजाब नेशनल बैंक ने भी घोषणा की। उसी प्रकार IDBI बैंक, केंद्रा बैंक, आंध्रा बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक आदि ने ये कहते हुए कहा है कि जो RBI का जो फैसला है, RBI की जो गाइडलाइन है, उसके तहत हम इन 3 महीनों की जो EMI है उनको नहीं वसूलेंगे, न ही किसी को परेशान करेंगे। और ये कहते हुए कहा है कि बैंक के लिए कर्ज EMI पेमेंट को डालने के लिए कहा, बैंक ने ट्वीट करके कहा कि हम समझते हैं कि ये मुश्किल समय है, इसे देखते हुए स्कीम उपलब्ध है और मार्च अप्रैल मई 2020 के महीने में किस्तों को टालने की उपलब्ध दिया गया। मतलब जो 3 महीने की जो किस्तें हैं वो नहीं लेंगे, उसे आगे बढ़ा कर ये किस्तें ली जाएगी। ये पूरे बैंक जो 18 बैंकों ने ये निर्णय लिया है, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक भी है, पंजाब नेशनल बैंक है, IDBI बैंक भी 3 महीने की राहत दी है, केनरा बैंक ने भी कोरोना वायरस को लेकर ये राहत दी है, इसी प्रकार आंध्रा बैंक, इंडियन बैंक और यूको बैंक ने भी सबने ट्वीट करके अपने जो वेबसाइट है उसमें इन्होंने कहा है कि हम 3 महीनों की RBI की जो गाइडलाइन की पालना करेंगे। इसी के साथ साथ और बैंकों ने भी ये कहा गए हैं अपने ग्राहकों को राहत दी है, जिस प्रकार सिंडिकेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब नेशनल, इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक आदि बैंकों ने अपने ग्राहकों को राहत दिए, अपने ग्राहकों को खुशखबरी दिए कि हम इन मुश्किल घड़ी में आपके साथ हैं और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और जो RBI की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार हम आपकी मदद करेंगे। और इन पूरे जो 18 बैंक हैं इन्होंने स्पष्ट ये कहा है कि हम 3 महीने की जो EMI है उसे नहीं लेंगे, उसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। मतलब जो भी लोन है, जैसे कार लोन, किसी का क्रेडिट कार्ड लोन, होम लोन आदि हैं, इनको 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि ये लोन RBI की गाइडलाइन के अनुसार इन बैंकों ने माना है कि इस मुश्किल की घड़ी में हम आपके साथ हैं। और बैंक हर जो बैंक है, आप उनके बैंक ऑफ बड़ौदा जिससे कोई भी बैंक, उनकी वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट में क्लियर बैंकों ने अपनी गाइडलाइन जारी की है कि हम इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, अगर किसी का ड्यू है तो उनको ड्यू नहीं मानेंगे और उनसे कोई पेनल्टी नहीं लेंगे, नहीं डिफॉल्टर घोषित किया जाएगा। ये सारी चीज़ें सभी बैंकों ने कहा है ये RBI की गाइडलाइन के अनुसार कर, उन्होंने अपने जो बैंकों की जो वेबसाइट है उसमें स्पष्ट लिखा है, उनमें ट्वीट करा है, उनमें सारी चीज़ें बताई गई कि हम RBI की जो गाइडलाइन है 3 माह के कोई से भी लोन हो उनको हम नहीं वसूलेंगे, ना कोई पेनल्टी लेंगे, ना कोई किसी को डिफॉल्टर घोषित करेंगे, सारी चीज़ें RBI ने कहा है। इसलिए दोस्तों मेरा कहने का मतलब, इस मुश्किल घड़ी में सभी बैंकों ने अपने ग्राहकों को एक राहत पहुँचाई है और इसके साथ साथ एक खुशखबरी भी मानो, क्योंकि सभी बैंकों ने, जितने भी बैंक हैं, उन्होंने अपने वेबसाइट ट्विटर पर, अपनी जो वेबसाइट पर ये दशा दिया है, डाला है कि ग्राहकों को पता लगे कि इस चीज़ ने किन किन बैंकों ने आपको राहत दी है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे पता लगे कि इन सभी बैंकों ने हमें हर प्रकार के ऋणों से 3 माह की छूट दी है। मतलब छूट का मतलब ये नहीं कि माफ़ कर दिया जाए, माफ़ नहीं करेगा, लेकिन दोस्तों ये सभी को पता लगना चाहिए। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर, जिससे आपको अपने ग्राहकों को पता लगे।